दोस्तों YouTube पे हर वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स होता है उस वीडियो का थंबनेल्स। कोई भी इंसान आपके थंबनेल्स को देख के ही आपके वीडियो को वॉच करेगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एक क्रिएटिव टाइप के थंबनेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल फोन में। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करके आपको एप्लीकेशन को दिखा देता हूँ। दोस्तों एप्लीकेशन का नेम है बैनर मेकर। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों फर्स्ट नंबर में जो एप्लीकेशन है आपको इसे ही इंस्टॉल करना है। दोस्तों इस एप्लीकेशन का प्रो वर्जन भी आता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा आप कैसे इस एप्लीकेशन का प्रो वर्जन फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। दोस्तों अभी 30 सेकंड वीडियो पोर्ट्रेट मोड में चलेगा, तो आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों सेटिंग्स में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस एप्लीकेशन का प्रो वर्जन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल प्रीमियम एक्सेस, मतलब मैं इसके सारे प्रीमियम फीचर्स को यूज कर सकता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे फीचर्ड का है। यहाँ पे आपको हर तरह के रेडीमेड थंबनेल्स मिल जाते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी का है। एक नए थंबनेल को क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट योर ऑन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको रेशियो को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको कस्टम साइज का भी ऑप्शन मिलता है। पेज को स्क्रॉल अप करने के बाद आपको यहाँ पे YouTube थंबनेल का साइज मिल जाता है। अब दोस्तों मैं आपको सारा कुछ लैंडस्केप मोड में बताऊंगा। इस वाले आइकन पे क्लिक करके आप थंबनेल के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, आप इन कलर्स को बैकग्राउंड में सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एंड कस्टम कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है। पेज को स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पे आपको गैलरी एंड कैमरा का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप गैलरी से भी जाके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं और कैमरा पे क्लिक करके आप डायरेक्ट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन के सिस्टम में ही हमें बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं। आप इनमें से कोई भी बैकग्राउंड को थंबनेल में यूज कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन का पेड वर्जन यूज कर रहा हूं, तो मैं सारे बैकग्राउंड्स को यूज कर सकता हूं। तो चलिए मैं कोई भी एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूं थंबनेल के लिए। मैं इस ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूं। दोस्तों ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे टेक्स्ट करता हूँ हाउ टू क्रिएट, उसके बाद डन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद स्टिक पे क्लिक करना होगा। आप टेक्स्ट पे सिंगल क्लिक करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस टेक्स्ट को कस्टमाइज करने के लिए आपको राइट साइड के बार में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको इस टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना है तो आपको फॉन्ट पे क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं, आप इनमें से कोई भी फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं। मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टेक्स्ट के कलर को भी चेंज करने का ऑप्शन है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों राइट साइड में और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं टेक्स्ट को कस्टमाइज करने के लिए। यहाँ से आप टेक्स्ट के ऑपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे थे टेक्स्ट को कस्टमाइज करने का ऑप्शन। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ग्राफिक्स का। दोस्तों मुझे इस एप्लीकेशन का सबसे बेस्ट फीचर लगा इसका ग्राफिक्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे PNG ट्रांसपेरेंट स्टिकर्स मिल जाते हैं। दोस्तों ये सारे यूटिलिटी के कुछ PNG आइकन्स हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको और भी बहुत सारे तरह के स्टिकर्स मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों ये सारे स्टिकर्स का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के भी बहुत सारे आइकन्स मिल जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ से कोई भी एक स्टिकर को ले लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ और टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आपको और भी फॉन्ट्स को ऐड करना है तो आप गेट मोर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मैं लास्ट एक और टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूं। अगर दोस्तों आपको कोई इमेज को ऐड करना है तो आप ऐड इमेज पे क्लिक करके इमेज को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन यहां पे है शेप्स का। शेप्स में भी दोस्तों आपको हाई रिजोल्यूशन के बहुत सारे शेप्स मिल जाते हैं। मैं आपको एक शेप सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये एक 3D पार्टिकल है जिसे मैं थंबनेल को डेकोरेट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। शेप्स में दोस्तों आपको डिफरेंट कैटेगरीज के बहुत सारे शेप्स मिल जाते हैं। मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट आर्ट्स का। ब्लॉगर्स के लिए ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के बहुत सारे टेक्स्ट आर्ट्स हैं। दोस्तों मैं आपको ग्राफिक्स के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। ग्राफिक्स में हमें बहुत सारे कैटेगरीज के स्टिकर्स मिल जाते हैं।
इतना ज़्यादा स्टिकर्स का कलेक्शन आपको और किसी एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन से एक क्रिएटिव टाइप के थंबनेल को क्रिएट कर सकते हैं। थंबनेल को सेव करने के लिए आपको ऊपर में सेव का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप HD को सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, थंबनेल क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे इस एप्लीकेशन का प्रो वर्जन फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रो वर्जन यूज करने के लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। मैं इस एप्लीकेशन पे एक वीडियो बना चुका हूँ, बट फिर भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको AC मार्केट एप्लीकेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। AC मार्केट एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको AC मार्केट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। बैनर मेकर एप्लीकेशन को आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको पेज को स्क्रॉल अप करना है। यहीं पे आपको बैनर मेकर एप्लीकेशन मिल जाएगा, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड का आइकन है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।